मुद्दा ये है कि जो पिछले दिनों आल जे एंड के ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन की जो हड़ताल की जो काल थी जो उन्होंने 17 तारीख को दी थी, तो हम उस हड़ताल का हिस्सा नहीं बने। मैं आल कश्मीर टूरिस्ट टैक्सी मैक्सी कैब ट्रांसपोर्ट और फेडरेशन का प्रेसिडेंट शेख जावेद हूँ, और साथ ही साथ मैं यहाँ पे जो आल कश्मीर ट्रांसपोर्ट और कॉन्फेडरेशन हूँ उसका भी प्रेसिडेंट हूँ। तो उन्होंने जो कॉल दी है उनको, उन्होंने हमारे इस जो हमारा ये शब कदर जो है उसको नज़र में रखते हुए उन्होंने उस कॉल को बरकरार रखा, जबकि उन्होंने किसी के साथ मशवरा नहीं किया। अगर उन्होंने कहा कि पूरा चक्का जाम रहेगा, लेकिन उन्होंने किसी के साथ किसी को कॉन्फिडेंस में ला नहीं लाया और हड़ताल की कॉल दे दी। और जिन मुद्दों पे उन्होंने कॉल दी है तो वो मुद्दे मैं आपकी वसादत से अपने ड्राइवर भाइयों को भी और कश्मीरी आवाम तक भी ये पहुंचाना चाहता हूं कि जो मुद्दे हैं वो तकरीबन 90% जो है वो हल हो चुके हैं, क्योंकि हमारी जो सरकार या एडमिनिस्ट्रेशन से बात हुई है उससे हमें पूरा यकीन है कि ये कुछ दिनों में ही, जैसे पैसेंजर टैक्स का उन्होंने मुद्दा उठाया, तो पैसेंजर टैक्स हमें एडवांस में नहीं बल्कि हमें क्वार्टरली अदा करना पड़ेगा। और साथ ही जो फिटनेस जो हमें 6 महीने की होती थी अब वो भी 1 साल को होगी, और इसमें जो ऑर्डर्स है वो अनकरीब ही आने वाले हैं। यही देख के कि जबकि हम प्रशासन से बात कर रहे हैं तो हमें हड़ताल पे जाने की ज़रूरत नहीं है। और दूसरी बात, अभी जो हमारे ट्रांसपोर्ट कमिश्नर सेक्रेटरी है वो भी बात सुनते हैं और मुद्दों को हल करने की पूरी पूरी कोशिश करते हैं और करते भी हैं। और दूसरा, अभी जो हमारे नए जिन्होंने ज्वाइन किया है हमारे आरटीओ कश्मीर साहब, हम उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि कुछ चीज़ें या वो काम करना चाहते हैं, और पहले उनको हम मौका दें, क्योंकि उन्हें अभी 1 महीना भी नहीं हुआ ज्वाइन किए हुए, तो पहले उनको मौका दें। जब हमें हड़ताल करने की ज़रूरत थी तब हमने हड़ताल नहीं की, अब जब हमारे ऑफिसर आ रहे हैं काम करने के लिए तो मुझे नहीं लगता, हमें नहीं लगता कि ये हड़ताल सही रहेगी। तो आपका मानना कि जम्मू कश्मीर ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन जो है आप उनका हिस्सा नहीं है? नहीं, कॉन्फेडरेशन जो आप जे एंड के ट्रांसपोर्टर्स कॉन्फेडरेशन है वो एक अलग इकाई है, और ये जो नाम नेहाद, मैं तो नाम नेहाद ही कहूँगा, क्योंकि अगर एक तंजीम पूरे स्टेट को बंद कराना चाहती है तो जो मेन स्टेक होल्डर है उनको वो अपने ऑन बोर्ड नहीं लाती है तो ऐसा वो फैसला देती है, तो हम वो फैसला नहीं मानते हैं। और साथ ही साथ हम आवाम को ये जो आने वाली हमारी ईद है और ये जो हमारा शब कद्र है, हम नहीं चाहते कि हमारे आवाम को कोई तकलीफ हो। तो आपका मानना कि 17 को जो हड़ताल की कॉल है आप हड़ताल पे नहीं जाएंगे? हड़ताल पे हम नहीं जाएंगे। देखिए, हमने पहले भी कहा कि हमारी बातचीत हो रही है, अगर ऐसा लगा फिर भी हम सभी लोगों से मशवरा करके फिर आगे का जो लाही अमल होगा वो हम आपके सामने पेश करेंगे। जी सर, मैं शौकत अहमद, प्रेसिडेंट ऑटो एसोसिएशन। आज आपको बुलाने का जो मुद्दा है यहाँ पर वो ऑल कश्मीर ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से जो 17 अप्रैल की कॉल आई है उसके बारे में आज हमने आपको यहाँ पर बुलाया ताकि आपके माध्यम से हम ये बात वाजिया करें कि जो 17 तारीख की जो हड़ताल की कॉल आई है उस पर जो हमारी कन्फेडरेशन है, कश्मीर ट्रांसपोर्ट कन्फेडरेशन, जो कि एक अलग यहाँ पर इतिहाद खड़ा हुआ है जिसमें ऑलमोस्ट सारे जो नॉर्थ साउथ सेंट्रल सारे डिस्ट्रिक्ट जो है वो उसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमने आपसी जो मशवरा किया कॉन्फेडरेशन में, आपसी मशवरे के बाद हम इस नतीजे पर पहुंचे कि जो 17 तारीख की जो कॉल है हम हड़ताल पे नहीं जाएंगे।